तो दोस्तों, जब लक्ष्मी बोम फिल्म का ट्रेलर आया था, ट्रेलर कितना धमाकेदार था। ट्रेलर में लोगों को अक्षय कुमार की कॉमेडी पसंद आई, कुछ हॉरर सीन थे वो पसंद आए। लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा था, तो ट्रेलर के अंदर बुर्ज खलीफा सॉन्ग की एक थोड़ी सी झलक पे मैंने खास ध्यान दिया था। और जिस वक्त बुर्ज खलीफा सॉन्ग का एक हल्का सा झलक ट्रेलर में दिखाया था, तभी मुझे यकीन हो गया था कि जब बुर्ज खलीफा सॉन्ग आएगा, ये सॉन्ग कमाल का होने वाला है। तो आज बुर्ज खलीफा सॉन्ग हो चुका है रिलीज, और सॉन्ग को रिलीज हुए लगभग 3 से 4 घंटे हो गए। अब सॉन्ग रिलीज होते ही सॉन्ग का रिएक्शन वीडियो बनाने वाला था, लेकिन आप सब जानते हो कि नवरात्रे चल रहे हैं, माताजी मेरे घर के पास बैठे हुए हैं, और माताजी बैठे हुए तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फुल वॉल्यूम में खूब धूमधाम से गरबे कर रहे हैं, गाने बजा रहे हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, बच्चों को गाने सुनने दो, गरबा खेलने दो, जब वॉल्यूम कम हो जाएगा ये गाने बंद कर देंगे, जब जाकर अपने वीडियो बना लेंगे। तो अब जैसे ही आरती का टाइम हो और पास में वॉल्यूम कम हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस गाने के ऊपर एक रिएक्शन बना दे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें बुर्ज खलीफा सॉन्ग के बारे में, तो सॉन्ग एक वर्ड में है, चार्ट बस्टर हिट। सॉन्ग के अंदर बीट कमाल की है, अक्षय पाजी के लुक बवाल है, साथ ही साथ कियारा आडवाणी भी बिल्कुल अंगार लग रही है। अब दोस्तों, इस गाने को पूरी तरह से बनाया गया है पंजाबी फ्लेवर और अरबिक फ्लेवर में। लिरिक्स है पंजाबी, लेकिन गाने की जो ट्यून है वो थोड़ी अरबिक है। इस गाने को आप सुनोगे तो आपको अक्षय कुमार की दो और फिल्मों के दो गानों की याद आएगी। एक तो एयरलिफ्ट का गाना दिल चीज तुझे दे दी, वही एक और गाना जिसका नाम था एक चुम्मा, जो कि लास्ट ईयर हाउसफुल 4 में था। तो इस गाने को सुनते वक्त आपको अक्षय कुमार के पिछले दो फिल्मों यानी कि हाउसफुल 4 और एयरलिफ्ट के गानों की भी याद आएगी। तो गाने में अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी का डांस काफी कमाल का है। इसके अलावा गाने की जो लोकेशन है और गाने को जिस तरह से फिल्माया है वो भी पूरी तरह से कमाल है। अब गाना पूरी तरह से एक पंजाबी पॉप गाना बना हुआ है, जिस गाने पे अगर आप लिरिक्स पे ध्यान नहीं भी दोगे तो भी इस गाने को सुनते वक्त आपके पैर थोड़े थोड़े डांस करेंगे। लेकिन मैंने YouTube पर देखा, जैसे ही ये गाना है उसके बाद कुछ लोगों ने इस गाने का रिएक्शन देते हुए वीडियो बनाया और उसमें थंबनेल में क्या लिख दिया, गाना सुनकर कान से खून निकल आया। मैं यही कहूँगा कि शायद गाना सुनकर कान से नहीं से खून निकला होगा। आप समझ गए किसकी बात कर रहे हो और क्या बोला मैंने। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने गाना रिलीज होते ही गाने के नेगेटिविटी स्टार्ट कर दी और कह दिया कि गाने में लिरिक्स अच्छे नहीं है, अक्षय कुमार भलते ही बुरा डांस कर रहे हैं। तो उन लोगों के यही कहूँगा कि भैया, तुम हर वक्त बोलते रहते हो कि बॉलीवुड वाले ओरिजिनल गाने नहीं बनाते, और यहाँ पे लक्ष्मी बोम का पहला सॉन्ग बुर्ज खलीफा, जो कि एक ओरिजिनल सॉन्ग है जिसे सभी लोग पसंद कर रहे हैं, उस गाने की भी नेगेटिविटी तुमने स्टार्ट कर दी। अब इतनी नेगेटिविटी लाते कहाँ से हो, इतनी नफरत कहाँ से भर रखी है। ठीक है, किसी को आप हेट करते हो, आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन कब, जब वो खराब काम करे। अब कम से कम गाना अच्छा है तो उसकी तो नेगेटिविटी मत फैलाओ, फालतू में गाने की बुराई चालू कर दी। शर्म आती मुझे इन लोगों पर कि ऐसे लोग भी यूट्यूब पर है। तो दोस्तों, नेगेटिव लोगों को साइड में रखो, गाना अच्छा है, आप गाने को जाकर एंजॉय करो, खूब सुनो, शादी पार्टी में खूब बजाओ। नवरात्रि आ गई, नवरात्रि पे इस गाने पे डांस भी करो और इस गाने को सब दूर फैला दो। अगर अभी तक गाना नहीं देखा तो जी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर यह गाना मिल जाएगा, अभी जाकर देखिए। और अगर गाना देख लिया, बुर्ज खलीफा सॉन्ग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।